हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाए करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो ऐप है बहुत अमेजिंग है। आज की ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ऐप का मेन मोटिव क्या है? दोस्तों, क्या होता है, जैसे कि आपके किसी चाहने वाले का या फिर किसी का भी, आपके रिलेटिव का, आपके फैमिली मेम्बर का बर्थडे वगैरह होता है और आपको याद नहीं रहता, कोई भी इवेंट रहता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इस ऐप में, वो इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से प्लस के साइन पे जाइएगा, जैसे कोई एनिवर्सरी है, अनाउंसमेंट है, बर्थडे है, कॉन्सर्ट है, कन्वेंशन है, फ्लाइट है, तो उन सब का आप यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर देते हैं। ओके दोस्तों, डेट आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको डेट डालनी है वो भी चूज़ कर सकते हैं। फोटोज़ वगैरह अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे ऑप्शनल पे आप क्या कर सकते हैं, रिपीट का ऑप्शन भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। और जैसे ही ये सारी सेटिंग कर देंगे, उसके अलावा यहाँ पे आप काउंट डाउन का ऑप्शन भी आ जाता है, काउंट डाउन कितने दिन पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट कर देंगे, तो आपको रिमाइंडर रहेगा, एक तरीके से रिमाइंडर रहेगा कि आपको किसी का बर्थडे आने वाला है और आप उन्हें विश कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बहुत अच्छी ऐप है ये, बहुत अच्छी। इसमें अगर आप जो भी क्रिएट करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको याद रहेगा, ये खुद आपको बताएगा कि जिसका भी बर्थडे, कॉन्सर्ट, एंगेजमेंट जो भी है वो आने वाला है। तो अमेजिंग है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप डिस्कवर कर सकते हैं, कैलेंडर, कॉन्सर्ट वगैरह जो होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके दोस्तों, यानी कि जो भी आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, फिल्टर वाइज यहाँ पे दे रखे हैं, बर्थडे, कॉन्सर्ट, कैलेंडर वगैरह। हिस्ट्री में जाके जो भी आपके बीते हुए पास्ट के जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। और सेटिंग में जाके यहाँ पे आप बैकअप ले सकते हैं, जितने भी आपके वो रहते हैं, जितने भी इवेंट्स रहते हैं। लाइट मोड वगैरह ये बाकी इसकी फंक्शनैलिटी है, जो आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है समझ में आया होगा इस ऐप को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप काफ़ी अच्छी है, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।